बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट रहे अब्दुल रोजी की ये फोटो सोशल मीडिया पे आने के बाद फैंस ने कहा कि सबसे क्यूट और स्मार्ट तो हमारा अब्दू ही है। आखिर कौन सा वो फोटो है जिसके पोस्ट करने के बाद से फैंस ने उसे वायरल करना शुरू कर दिया है, आइए देखते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूस, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट रितु बिस्वाल। मैं आपको बता दूं, बिग बॉस 16 के सबसे क्यूट, सबसे स्वीट और सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट अब्दुल रोजी बिग बॉस 16 के हाउस में अपना एक अलग ही पहचान बना के आए हैं। अब्दुल रोजी बिग बॉस 16 में आने से पहले ही काफ़ी पॉपुलर थे, जिनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा थी और लोगों ने इनके फनी अंदाज में बात करने के तरीके को लेकर काफ़ी पसंद किया था। यहाँ तक कि लोग इन्हें तरह तरह के, आप कह सकते हो, नाम से भी बुला रहे थे, छोटा भाईजान के नाम से भी इन्हें टैग दिया गया। इसके साथ साथ बिग बॉस 16 के हाउस के बाहर आने के बाद इनका एक नया सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ था और आपको बता दूं, इनका एक न्यू लेटेस्ट सॉन्ग भी बहुत जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है, जिस बारे में जानकारी अब्दू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी दिया था काफ़ी टाइम पहले, पर अभी तक उस सॉन्ग का कोई रिलीज़ हुआ नहीं है। बट रिसेंटली अब्दू ने भी एक फ़ोटो शेयर किया है जहाँ पे एक वाइट कलर की टी शर्ट के साथ दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक बॉर्डर लाइन गॉगल्स के साथ, जो इतना क्यूट लग रहे हैं उसमें, क्योंकि अब्दू की जो स्माइल है वो वाकई बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अब्दू के वो स्माइल देने वाली फ़ोटो जब सामने आई तो लोगों ने उसे किया काफ़ी पसंद और लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स के साथ ये भी कहा कि बहुत स्मार्ट लग रहा है, डॉक्टर जैसा गेटअप में आए हैं। हालांकि व्हाइट टी शर्ट के ऊपर कुछ ब्लैक प्रिंट्स थे, जिस वजह से उनका गेटअप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डॉक्टर जैसा मिलता जुलता तो बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी फैंस लोगों ने ये चीज़ कहा है। और ब्लैक बॉर्डर लाइन गॉगल्स के साथ अब्दू बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं, आपने भी जरूर देखिए रहेगा ये फोटो, नहीं देखे रहोगे तो देख लीजिए। फिलहाल के लिए अब्दू से जुड़े और खबरों के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अब्दू 17 मार्च यानी कल के दिन पे इंदौर भी गए थे अपने एक लाइव इवेंट के लिए, जिसके बारे में जानकारी उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे दी थी, बट वहाँ से जुड़ी कोई जानकारी अभी तक आई नहीं है। जैसे ही मिलेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, अब्दू ने एक रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था शिव ठाकरे के कार सेलिब्रेशन के बारे में, जिस बारे में भी जानकारी हमने आपको दे दी थी, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी। अब्दू को जब ये पूछा गया कि आप शिव ठाकरे के कार सेलिब्रेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तब अब्दू ने कहा कि मैं शिव के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस और अचीवमेंट की विश करता हूँ और वो एक क्या बहुत सारे कार खरीदे। जिस बारे में सुनने के बाद फैंस ने कहा कि आफ्टर ऑल फ्रेंड्स हो तो इस जैसा, क्योंकि एक फ्रेंड कभी भी अपने फ्रेंड के सक्सेस के लिए ही कामना करता है और अब्दू भी फैंस के शिव के लिए यही विश किया है। और अब्दू से जुड़े और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिफा फूस। फिलहाल के लिए बस इतना ही।